ले चलते सीधा दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पर सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है। तो दिल्ली कैंटोनमेंट पहुंच चुका है सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट लाया गया है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम विदाई दी जाएगी। बता दें 11 से 2 बजे तक आम जनता उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो आज सीडीएस विपिन रावत को अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली कैंट से आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें उनके सीडीएस विपिन रावत के दोनों बेटियों की। और सीडीएस विपिन रावत के निधन से पूरे देश को एक धक्का लगा है। पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है। दिल्ली कैंट में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा है। तमाम परिजन फिलहाल मौजूद हैं। तो आज सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी, और उनके अंतिम दर्शन के लिए आम जनता भी वहां पहुंचेंगे। आम जनता भी उन्हें अंतिम विदाई दे सकते हैं। 11 से 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आम जनता उनके अंतिम विदाई के लिए पहुंचेंगे। और दिल्ली कैंट से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट में लाया गया, और जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आम जनता उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें 8 दिसंबर 2021 पूरे देश के लिए एक बेहद ही दुखद खबर लेकर आया था, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और इस हेलीकॉप्टर में सवार थे 14 लोग, जिनमें से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 13 लोग में से सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। और आज सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर दिल्ली कैंट लाया जा चुका है, जहां पर आम जनता उन्हें उनको श्रद्धांजलि दे सकेंगे।